कॉर्ड्स पर बेस्ड एक अलंकार। आज मैं जो आपको अलंकार बताने जा रहा हूँ वो पूरा कॉर्ड्स पर निर्भर करता है और वेस्टर्न थोड़ा है तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल भी है गाने में, क्योंकि उसमें सुरों को छोड़ छोड़ के लगाना पड़ रहा है, स्किप नोट्स उसमें लग रहे हैं, लीपिंग नोट्स उसमें लग रहे हैं, तो उसका रियाज थोड़ा मुश्किल होगा। तानपुरे पर करोगे तो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है ना, लेकिन मज़ा उसी में है। कठिन थोड़ी चीज़ है लेकिन मज़ा आएगा उसको गाने में आपको। तो वैसे तो मैं कॉर्ड्स पर एक अलंकार पहले भी बता चुका हूँ, उसी का थोड़ा वेरिएशन है ये वाला अलंकार। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या है वो अलंकार और कैसे आप उसे रियाज कर सकते हैं। रियाज ऐप अ सिंगर्स कंपेनियन। अगर आपको सीखना है क्लासिकल म्यूजिक या फिर कर्नाटक म्यूजिक या फिर वेस्टर्न म्यूजिक या फिर फिल्मी गाने, तो अभी डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तानपुरा आपको इसमें मिलता है, आपका स्वर मीटर आपको मिल जाता है, आपकी रेंज कितनी है वो मालूम चल जाती है। तो बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन से अच्छे अच्छे टीचर्स आपको इसमें सिखा रहे हैं, तो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कौन है तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा कौन है, जाने दिल जाने तमन्ना कौन है। जाने दिल जाने तमन्ना कौन है, गुलाम अली खान साहब की गाई हुई, उनकी कंपोज की हुई बहुत ही खूबसूरत गज़ल, अभी अभी आपने भगन खोखावत जी की आवाज़ में सुनी। और मेहताब एल्बम है उसकी, ये रिकॉर्डेड गज़ल है, आप ज़रूर सुनिएगा ओरिजिनल, बहुत ही प्यारी जो म्यूज़िक उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी बड़ा खूबसूरत है, ठीक है, तो पूरा आप उसको सुनिएगा ज़रूर। तो आइए बात करते हैं हम उसी अलंकार पर जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा उसका ग्लिम्स आपको मैं देता हूँ। सा ग प रे म ध ग प नी म ध सा, ये बिलावल थाट में पहली सफ़ेद से मैं आपको गा के बता रहा हूँ। स्वर संवाद एक चीज़ होती है कि दो स्वरों को जब आप लगाओ तो वो लगने चाहिए कि हाँ उनमें एक संवाद बैठ रहा है, एक ट्यून बैठ रहा है, एक सुर मधुर बैठ रहा है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा, जैसे सारे माँ, अब ये सारे माँ का अगर साथ में बजाओगे तो कैसा साउंड करेगा, ये इसमें बिल्कुल स्वर संवाद नहीं है। लेकिन यही अगर आप सागा पर लगाओ और स्वर संवाद देखिए कितना मधुर है ना, एक एक कॉर्ड बन रहा है तो उससे एक हारमोनी बन रही है, फिर एक रेमध लगाइए तो उससे भी बन रहा है, गपनी मधसा है ना। तो ये बिलावल थाट में मैंने आपको अभी भी बताया, तो इसमें वो बन रही है चीज़, लेकिन हर किसी में नहीं बनती है वो स्वर संवाद। अब इस स्वर संवाद को ही लेकर अलंकार बनाया है, पहले तो आप सिंपल इसका रियाज कीजिए, सा ग प रे म ध ग प नी म ध सा, तानपुरे पर भी और इस पर भी सा ग प रे प रे। ये जो जंप है ना, इससे आपके गले में वो बात आती है कि आपको स्वर की जो सटीक जो पन है वो आपको समझ आता है। सा ग प रे म ध ग प नी म ध सा, सा ध म नी प ग ध म रे प ग सा, ये सीधा सा रियाज है, पहले इसको अच्छे से कर लीजिए फिर इसके आगे आगे जो दर्जा बढ़ाएंगे हम। सा ग प, और उसके बाद इसको लेवल बढ़ा दिए, सा ग प नी रे म ध सा, है ना, एक एक स्किप हो रहा बीच में अगर आप देखें तो, ग प नी रे म ध सा ग, है ना, हम ऐसे रियाज करेंगे। तो जब आप इसका रियाज करेंगे तो देखिए गले में कितनी खास बात आती है, सा ग प नी रे ग रे म ध सा ग ग प नी रे मा, है ना, ऐसे कर करके करिए। उसके बाद इसका अलंकार बनता है सा ग प म ग रे प म ग रे, है ना, उतर के ऋषभ पे आया, क्यों, क्योंकि रे से अगला पैटर्न बन रहा है, रे म ध प म ग ग प नी ध प म म ध सा नी ध प प नी रे सा नी ध ध सा ग रे सा नी नी रे म ग रे सा, ये सा पर आ गया। अब इसका उल्टा देखिए कितना विकट बनता है, सा ध म प ध नी नी प ग म प ध,
बोलने में भी बड़ी विकट आपको आएगा, क्योंकि स्वर कोई पैटर्न जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, सारे गमा नहीं है, या कोई एक लड़ नहीं है, छूट छूट के बज रहा है ना। तो ये एक बड़ा विकट अलंकार है, इसको आप तानपुरे पर और हारमोनियम पर दोनों पे कर सकते हैं। अब इसमें जो है मैं चीज़ जो ऐड करने वाला हूँ वो स्वरांगिनी किताब के अनुसार है। स्वरांगिनी जो अगर आपने हमारी किताब अगर ख़रीद रखी है या आपको उसके बारे में मालूम है, उसका एक पैटर्न जाता है कि उसमें कोई भी एक स्वर की लड़ जो बनती है उसमें फिर हम धीरे धीरे कुछ ऐड करते जाते हैं। जैसे कि सारे सागर रे ग रे म ग म ग प म प म ध है ना, ये जो अलंकार है। अब इसमें हम अगर इसका सेकंड वेरिएशन बनाएंगे तो इसमें चार सुर ऐड कर देंगे। सारे सागर सारे ग म रे ग रे म रे ग म प ग म ग प ग म प ध, पांच ऐड करेंगे तो सारे सागर सारे ग म प रे ग रे म रे ग म प ध, छह सारे सागर सारे ग म प ध रे ग रे म रे ग म प ध नी, ऐसे हम इसमें ऐड करते जाते हैं। वही पैटर्न हमको इस अलंकार में रखना है। सा ग प म ग रे सा रे ग म रे म ध प म ग रे ग म प ग प नी, है ना। तो देखिए आप कितना एक कंफ्यूजिंग सा बन रहा है, टंग ट्विस्टर सा बन रहा है। इसको जब आप लय बढ़ाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत साउंड करेगा। सा ग भ म ग रे सा रे ग म रे म ध प म ग रे ग म प ग ध ग प नी ध प म ग म ब ध म ध सा नी ध प म ब ध नी प नी रे सा नी ध प ध नी सा प नी रे सा नी ध प ध नी सा ध सा रे दसा ग रे सा नी ध नी सा रे, है ना। देखिए कितना विकट सा बन रहा है, इसको जब आप रियाज करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और कुछ ना कुछ नई उपज भी आपके जहन से दिमाग से जो है निकलेगी। ऐसे ही पांचवा जोड़ दीजिए। सा ग प म ग रे सा रे ग म प रे ग रे म रे म ध प म ग रे ग म ब ध नी, है ना। तो इसका रियाज कीजिए आकार में भी और बजा के भी। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पूरा पेज लिखा हुआ, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। ज़रूरत है तो रियाज करने की, छंद को बांट को और उस डिवीजन को समझ के रियाज करने की। अलंकारों में वो बात नहीं होती है, रियाज में होती है, ये मैंने आपको हमेशा कहा है। उसके रियाज करने के तरीके में वो बात होती है, तब जाके वो असर आता है उसका, है ना। उसके खंड को उसके छंद को रियाज करना है, उसको ही समझ कर रियाज करना है, ठीक है। देखते रहें ऐसे संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, कुछ ना कुछ मैं आपके लिए नया लाता रहूँगा। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।